सो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास इलेवेंथ आईएससी कॉमर्स का चैप्टर नंबर थ्री विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिफोर आई बिगिन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर अगर आपको भी हमारे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी है फॉर क्लास इलेवेंथ बीट अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स इंड कॉमर्स सो स्पार्ट इज अ कोर्स फॉर यू जाकर आप तुरंत के तुरंत एनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है एंड अगर आपको हमारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पर आपको मिल जाएंगे और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कॉल कर सकते हो 8112601234 के ऊपर तो चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर सो ऑलराइट बच्चों पार्टी सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कवर क्या-क्या करना है इट्स अ ह्यूज चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है तो इस चैप्टर पढ़ना क्या क्या है जरा देख लो और क्या चीज आपके सिलेबस में नहीं है वो भी मैं आपको मार्क करा दूंगा तो इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स बिल्कुल सिलेबस में है देन वी नीड टू स्टडी अबाउट रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया ये भी सिलेबस में है कॉमर्स एंड इट्स नेचर भी सिलेबस में है फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री लेकिन लास्ट टॉपिक जो है इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉमर्स इज नॉट देयर इन द सिलेबस तो ये टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पता होना चाहिए कि आपके वो सॉरी आपके सिलेबस में क्या क्या है तो चलो भाई देखते हैं इंडस्ट्री है क्या इंडस्ट्री क्या ना क्या चाहती है मैंने बताया आपको नोट्स चाहिए एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाने वाले हैं जाके डाउनलोड कर लो आराम से बार बार किसी से नहीं पूछना कि नोट्स कहां मिलते हैं शिवम सर के ठीक है ना भाई तो इंडस्ट्री क्या होती है और उसके टाइप्स क्या हैं आओ जरा देखो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है ना कि कोई ऐसी जगह कोई ऐसी मशीनरी जिससे गुड्स और सर्विसेज सॉरी गुड्स प्रोड्यूस किए जा सके जिसको बेचकर पैसा कमाया जा सके तो इंडस्ट्री है क्या एग्जाम में क्या लिखकर आओगे इससे मैडम खुश हो जाएं इंडस्ट्री मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल एज़ गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि उन्हें सेल करके आप पैसे कमा सकें बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर चाहे वो ह्यूमन पावर को इस्तेमाल हो चाहे वो मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल हो उससे गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा और उससे सामान को बेचा जाएगा और प्रॉफिट कमाया जाएगा उसे बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्री ठीक है ना अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडस्ट्रीज के जरा वो देख लेते हैं पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज द पर्पस इज टू अर्न मनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है वो एक्टिविटी जिनकी वजह से पैसे कमा जा सके वो एक्टिविटी जो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिकॉज हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन ही इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको बेचकर पैसा कमा सके दूसरा है प्रोडक्शन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भैया इंडस्ट्री इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ड्स यहां पे कुछ ना कुछ गुड्स जैसे एप्पल कंपनी है वो आईपैड बनाती है तो आईपैड का प्रोडक्शन कर रही है ना वो तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के अच्छा वाइड 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 इट हैज स्कोप स्कोप का मतलब क्या होता है देखो बेटा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी नए नए प्रोडक्ट आते जाएंगे नए नए सेक्टर्स आते जाएंगे जैसे आज के डेट में देखो पहले एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग्स में होती थी अब क्या एटेक आ चुका है आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप क्लास इलेवन कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं सो इट हैज अ वाइड स्कोप एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया है आई सेक्टर दूसरा है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता? के जो, तो जो कहीं ना कहीं आपकी नीड्स को सैटिसफाई करते हैं इंडस्ट्री क्रिएट्स यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटीरियल इंटू यूजफुल प्रोडक्ट रॉ मटीरियल को कि, say, आप, आप समझते ना, कि कोई रॉ मटीरियल है रॉ मटीरियल से फिनिश गुड्स बनाती है ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सको उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी समझ में आ रही है बात ऐसे प्लास्टिक था अब इससे रिमोट बन गया इसकी यूटिलिटी है प्लास्टिक की मेरे लिए यूटिलिटी नहीं थी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने क्या किया इस प्लास्टिक को कन्वर्ट किया रिमोट बनाया और रिमोट इज ऑफ यूज चले बेटा आगे बढ़ते और आते हैं हम लोग सीधा सीधा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर देखो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में आते हैं हम लोग पहले तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज फिर टर्शरी इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज में सबसे पहली चीज आप पढ़ने जा रहे हो बेटा जेनेटिक इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है रिप्रोडक्शन करना ठीक है ना आप कोई भी चीज को रिप्रोड्यूस कर रहे हो जैसे पोल्ट्री इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है तो जेनेटिक का मतलब क्या है दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद ब्रीडिंग ये ब्रीडिंग इसका की है जहां पर ब्रीडिंग किया था ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग ऑफ सर्टन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों चीजों की ब्रीडिंग होती है देखो तो तुमने देखा वो नर्सरी होती है प्लांट के लिए पोल्ट्री होती है एनिमल्स के लिए विद्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द सेल जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है पोल्ट्री तो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है ब्रीडिंग होती है बोथ एनिमल्स की और प्लांट्स की जिसको बेचकर पैसा कमाया जाता है दूसरी होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जैसे नाम लिखा है ना एक्सट्रैक्टिव जमीन खोद के कुछ निकालना जैसे आयरन और जैसे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है जैसे एग्रीकल्चर जमीन से कुछ उगाया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज लिख के क्या आना है पेपर में दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटीरियल फ्रॉम सॉइल एयर वॉटर फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सर्फस मतलब सर अर्थ सर्फेस के नीचे से देखो तुमने देखा ना पानी निकाल रहे हैं बोरवेल खोद के पानी निकालते हैं उसके बाद क्या निकालते हैं आयरन ओर्स हैं उसके बाद क्या निकाल रहे हैं कहीं कहीं पर ऑयल है तो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ठीक है उस चीज को बोलते हैं हम मतलब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है यहां पर एग्रीकल्चर और माइनिंग बहुत सिंपल है मेरे बच्चों को ईजिली समझ में आ जाएगा अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज पर प्राइमरी तो बता दिया सेकेंडरी आता है सेकेंडरी में आती है सबसे पहली चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब देखो दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटीरियल एंड सेमी फिनिश गुड्स इन टू फिनिश प्रोडक्ट दे क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी बात समझ पा रही है रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड गुड्स को आपने कन्वर्ट करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया है इस चीज को बोलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सबको समझ में आ रहा है बेटा जी अब इसी में देखो क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग के भी बहुत सारे पार्ट हैं तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सबसे पहला है एनालिटिकल एनालिटिकल क्या होता है आओ जरा देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू सेवरल यूजफुल मटेरियल्स। भैया क्या हुआ आपने कुछ एक्सट्रैक्ट किया और उस रॉ मटेरियल को ब्रेक किया और जब ब्रेक किया तो उससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए जैसे ऑयल रिफाइनरी से क्या मिलता है क्रूड कच्चा तेल क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल से क्या मिलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोल डीजल सीएनजी गैस एलपीजी गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे, जैसे आपके कॉस्मेटिक्स में जो यूज होते हैं तो आपको क्या क्या रॉ मटेरियल को आपने डिफरेंट 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 पार्ट में तोड़ दिया और सारे पार्ट एक यूजफुल मटीरियल बन गए उसको बोलते हैं एनालिटिकल दूसरा था सिंथेटिकल सिंथेटिक Synthetic मतलब मैन मेड मतलब दो या दो से ज्यादा मटेरियल को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बना देना उसे बोलेंगे कॉस्मेटिक्स to भैया आप जानते तो लगाते हैं वाह भाई वाह फाउंडेशन लगा लिया आई लाइनर मस्कारा लड़कियां लगाती हूं जितना लोग वीडियो देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में लिखना कौन से ब्रांड का कॉस्मेटिक यूज कर रहे हो बताना मुझे चैट में ठीक है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे सब जगह जहां जहां मुझे मिलते हो बताना सिंथेटिकल तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट बना देना ठीक है ना जैसे कॉस्मेटिक्स जैसे कि सोप आते हैं थर्ड पर थर्ड हमारा प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है एक से ज्यादा स्टेजेस में जब एक प्रोडक्ट मूव होता है तो उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं प्रोसेसिंग का मतलब क्या इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री अ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस एक प्रोडक्ट को कई स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन पासिस थ्रू स्पिनिंग वीविंग डाइंग ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस कई सारे स्टेप से गुजरकर तब कपड़े बनते हैं भाई साहब तो कॉटन कितनी स्टेजेस पे गुजर रहा है ताकि वो एक फिनिश प्रोडक्ट बन सके अब आते हैं अगले पॉइंट पर असेंबलिंग तुमने कई बार देखा होगा कार के ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फैक्ट्रीज में बनते हैं फिर एक कार मैन्युफैक्चरर उस सारे पार्ट्स को असेंबल कर कर वो कार बेचता है कई बार आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की भी असेंबलिंग सुनी होगी असेंबलिंग का मतलब क्या होता बहुत है बहुत सारे कम्पोनेट्स हैं बहुत सारे पार्ट्स हैं उसको ज्वाइन कर कर आपने एक नया प्रोडक्ट बना दिया अब देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट मैन्यूफैक्चर्ड पार्ट्स आर कंबाइंड टूगेदर टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट जैसे कि टीवी सेट रेडियो स् एटसेट्रा एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा बात समझ में आ रही है सभी लोग को चले बढ़े आगे आगे बढ़ते हैं मेरी जान अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज पर अभी तो हमने पढ़ा मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आपने सुना होगा ना बिल्डिंग बनाना रोड्स बनाना बनाना ब्रिजेस बनाना सब के सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही पार्ट होते हैं तो हम बोलते हैं क्या द इंडस्ट्रीज इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन इरेक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ बिल्डिंग ब्रिज रोड डैम्स एटसेट्रा इन सभी को हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेटा कहते हैं चलो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं टर्शरी इंडस्ट्री की तरफ अभी टर्सरी इंडस्ट्री कौन सी होती है टर्सरी इंडस्ट्रीज आपको हेल्प करती है इनको बोलते हैं सपोर्टिंग इंडस्ट्री फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज तो मैंने यहां लिख भी दिया है दीज इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइडेड दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जैसे कि बैंकिंग हो गई ट्रांसपोर्ट हो गया ये सारी चीजें क्या है ये आपके सपोर्ट एलिमेंट है फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज अब टर्शी इंडस्ट्रीज में भी क्या आता है सबसे पहले आओ देखते हैं इनके भी टाइप्स सबसे पहले आ रहा है हेवी इंडस्ट्रीज अब ये हेवी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं जैसे यहां पे लिखा है मैंने दोज टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस कैपिटल कैपिटल गुड्स गुड्स मतलब वो इंडस्ट्रीज जो बनाती हैं, मशीनरीज बनाती हैं, जैसे स्टील शिप्स एयरक्राफ्ट मतलब वो इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाती है जिससे दूसरे गुड्स को बनाया जा सके उनको हेवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं दूसरा है लाइट इंडस्ट्रीज लाइट इंडस्ट्रीज का मतलब क्या रहता है वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाती हैं लाइट प्रोडक्ट्स बनाती हैं मतलब कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं लाइट इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉस्मेटिक स्टेशनरी एंड एटसेट्रा अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ठीक है ना कितना कैपिटल लगता है तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बनती हैं तो सबसे पहले आते हैं माइक्रो यूनिट्स पर फिर स्मॉल यूनिट्स पर फिर मीडियम फिर लार्ज यूनिट्स पर आओ जरा देखो मैं बोल क्या रहा हूं माइक्रो यूनिट्स क्या होती हैं? सबसे पहले हम किसी भी यूनिट को माइक्रो मीडिया मीडियम लार्ज क्यों बोलते हैं उसका एक बेसिस है उसका बेसिस यह है अ यूनिट वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू मतलब किसी भी यूनिट में उनके प्लांट एंड मशीनरी में कितना पैसा लगाया जा रहा है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि वो यूनिट जो है वो माइक्रो है स्मॉल है मीडियम है या लार्ज है तो चलो देखते हैं माइक्रो यूनिट किसको बोलते हैं जिनके प्लांट एंड मशीनरी में अगर वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं तो 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और अगर वो सर्विस का बिजनेस करते हैं तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर लगी है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर तो उसको हम लोग माइक्रो यूनिट बोलते हैं ठीक है ना बिजनेस को दो पार्ट में क्लासिफाई करके बताया मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए 25 लाख की लिमिट है और सर्विस वालों के लिए 10 लाख की लिमिट है अगर ये इतना आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में हुआ हुआ है तो आप माइक्रो यूनिट कहलाएंगे स्मॉल कब कहलाएंगे जब मैन्युफैक्चरिंग में मोर देन 25 फाइव लैक्स बट नॉट लेस देन बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ मतलब 25 लाख से ज्यादा 5 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में वेर एस सर्विस क्लास में क्या होना चाहिए मोर देन टेन लैक्स बट लेस देन टू करोड़ दस लाख से ज्यादा और दो करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए फॉर स्मॉल यूनिट्स फिर आगे आते हैं मीडियम क्या होंगे मीडियम यूनिट्स में मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा मोर देन फाइव करोड़ बट लेस देन टेन करोड़ और सर्विस पे होगा मोर देन टू करोड़ बट लेस देन फाइव करोड और लार्ज यूनिट्स कौन सी होती हैं जहां पर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होती है मोर देन टेन करोड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड मोर देन फाइव करोड फॉर फॉर सर्विस सेक्टर तो आई होप तुमको यहां तक की बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर चलो अच्छा पार्डी हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन इंडिया जो स्मॉल सेक्टर है स्मॉल स्केल पर जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं वो भारत में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल बिजनेस बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द एंटायर कंट्री कैसे आओ देखते हैं स्मॉल स्केल फार्म यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक

आते हैं भैया सेकंड पॉइंट के ऊपर दूसरा है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है बेटा देखो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस जो है ना वो बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना वो टाउन के अंदर है छोटे छोटे तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होने लगता है हर एक एरिया का डेवलपमेंट होने लगता है थ्रू स्मॉल स्केल बिजनेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट डिस डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिमूव रीजनल डिस्परिटीज इन इंडस्ट्रलाइजेशन अगर मैं सही सही बताऊं या अच्छी बात आसान भाषा में बताऊं तो अगर विलेजेस का किसी ने इंडस्ट्रलाइजेशन किया है तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने ही किया है आगे बढ़ते हैं बेटा अगला देखते हैं पॉइंट क्या लिखा है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटिव कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल कैपिटल बोल रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल क्या है देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स लेस कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट देयरफॉर ग्रेटर आउटपुट कैन बी ऑप्टेन विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट भाई देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ना एज कंपेर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कम पैसा लगता है कम पैसा लगाकर ये लोग ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर पैसों का ज्यादा सदुपयोग अच्छा हो रहा है ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा ये पॉइंट भी समझ में आ गया इतना आप लिख कर आओगे स्कूल में आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगला है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो लोकली अवेलेबल हैं उसको पूर्णतः इस्तेमाल करना उसको फुल्ली यूटिलाइज करना कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेड मोबालाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स एंड स्किल्स विच माइट अदरवाइज रिमेन्स अनयूटिलाइज अब देखो भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ना स्मॉल स्मॉल टाउन में स्मॉल स्मॉल विलेजेस के अंदर है और विलेजेस के अंदर बहुत सारा मैनमेड मैन ह्यूमन रिसोर्स है जो कि अंडर यूटिलाइज रह जाता है तो उस तरह के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने को हम लोग बोलते हैं मोबालाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस अब आते हैं एक्सचेंज अर्निंग्स यहां पर एक्सचेंज अर्निंग्स की बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड भाई देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ना कोई बहुत बड़ा बड़ी मशीनरी नहीं लगती जो एक बिजनेस को इंपोर्ट करनी पड़े किसी बाहरी कंट्री से हालांकि ये लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्न जरूर करते हैं बाय एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स टू बाहर की कंट्रीज तो क्या लिखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है तुम्हें परेशान होने की बात नहीं 12th है क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है ठीक है ना कैसे हेल्प करते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में ये दे डू नॉट रिक्वायर इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट किसी भी मशीनरी और किसी भी इक्विपमेंट की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है हाउएवर दे अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स ज्यादा से ज्यादा ये फॉरन एक्सचेंज अर्न करते हैं बाय एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स और आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर इसका नाम है इगैलिटेरियन सोसाइटी इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या होता है वो सोसाइटी जिसमें गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां ना हो स्मॉल स्केल बिजनेस क्या कर रहे हैं जो हमारे Un, uh, जैसे बोलते नहीं है जो अनडेवलप्ड एरियाज हैं वहां पर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं जिससे अमीर और गरीब के बीच में फासले को कम से कम किया जा सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स और क्या लिखा है दे प्रमोट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ तो ये इगालिटेरियन सोसाइटी बनाने में हेल्प कर रहे हैं आई होप तुमको यहां तक सारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो चलो भैया चलो 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 अब बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे और अगला पॉइंट है हमारा जो कि लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर विच इज फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज।, इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है भाई देखो अगर से मारुति का एग्जांपल ले तो मारुति कार बनाती है उस कार के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स है कुछ कोई टायर बनाता है कोई वाइपर बनाता है कोई रबड़ बनाता है कोई वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो डिजिटल मीटर चलता है उसकी सुइयां बनाते हैं कोई हो सकता है टायर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करता हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ना फीडर्स होती हैं एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की मतलब ये वो कंपोनेंट्स बनाते हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को एज अ रॉ मटेरियल यूज करना होता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय लार्ज इंडस्ट्रीज तो मुझे लगता है यहां तक तुमको समझ में आ गया होगा तो चलो बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक के ऊपर चलो बेटा जी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा नेचर ऑफ कॉमर्स ठीक है ना कॉमर्स क्या है और कॉमर्स का नेचर क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं तो बाबू जी कॉमर्स होता क्या है ठीक है ना वो सारी एक्टिविटीज जिनसे गुड्स को बायर्स और सेलर्स के पास पहुंचाया जा सके सेलर्स और बायर्स के पास पहुंचाया जा सके वो सारी एक्टिविटीज को हम लोग कॉमर्स कहते हैं इट रेफर्स टू ऑल दो एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन बायर को गुड्स चाहिए सेलर को गुड्स बेचना है तो इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन को पूरा करने की जिम्मेदारी कॉमर्स की होती है तो इट रेफर्स टू ऑल दो एक्टिविटीज व्हिच आर नेसेरी फॉर ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ इट्स कंजन प्रोडक्शन की प्लेस से कंजम्शन की प्लेस तक पहुंचाने का काम कॉमर्स का है आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स देखते हैं सबसे पहला ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कॉमर्स मैंने बोला जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी वो प्रॉफिट कमाने के लिए होती है तो यहां लिखा इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकर फॉर अर्निंग प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस मतलब कॉमर्स हेल्प करता है कि गुड्स को खरीदा बेचा जा सके तीसरा प्रॉफिट मोटिव होता है कॉमर्स का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोग पैसा बना सके प्रॉफिट कमा सके द मोटिव ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज इज टू अर्न प्रॉफिट एनी एक्टिविटी विच नॉट एम ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉमर्स ऐसा कोई भी काम जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया जा रहा है वो कॉमर्स के अंदर नहीं आएगा तीसरा रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है अगर कोई आपने एक आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन किया अलग मैंने अपनी कार बेच दी वो बिजनेस नहीं है वो कॉमर्स नहीं है अगर मैं कार बेचने का काम ही करता हूं तब वो कॉमर्स होगा तो क्या लिखा है यहां पर एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन डज नॉट एम्प्लाय कॉमर्स एग्जाम्पल अ पर्सन सेल हिज कार इट इज नॉट कॉमर्स अगर ये बार बार कार बेचने का काम करता है तब तो ये कॉमर्स है एल्स ये नहीं है िटीज अब देखो कॉमर्स क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी मतलब जिस जगह पर कंजम्पन हो रहा है प्रोडक्शन से उस जगह तक सामान पहुंचाना और जिस समय पर कंजम्पन चाहिए उस समय पर वो सामान अवेलेबल कराना तो कॉमर्स क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी एज वेल एज टाइम यूटिलिटी तो कॉमर्स क्रिएट सेवन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या क्या है प्लेस और टाइम आगे बात करते हैं पार्ट ऑफ बिजनेस कॉमर्स एक पार्ट ऑफ बिजनेस होता है इसको हम पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं बिजनेस बिना कॉमर्स के हो ही नहीं सकता है। क्लियर है ना क्लियर बात समझ में आ रही है आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं बेटा और अगला टॉपिक है हमारा फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स भैया कॉमर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है

कॉमर्स रिमूव बाय मींस ऑफ ट्रेड ट्रेड क्या होता है ट्रेड प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेर बायर्स एंड सेलर्स कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर तो कॉमर्स एक मार्केट का काम करने लगता है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिल सकते हैं और अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं

ठीक है ना इस तरह की दिक्कतें ना हो जाए आग ना लग जाए तो उस चीज को दूर करता है कॉमर्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम कॉमर्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉमर्स सिक अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके पैकिंग प्रोवाइड करके और इंश्योरेंस प्रोवाइड करके हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर कर कर सकता है अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड दे ताकि सामान ईजली पहुंच जाए अच्छी पैकिंग कर दे ताकि लीकेज वगैरह ना हो और इंश्योरेंस करा दे ताकि अगर कोई थेफ्ट वगैरह हो जाए तो प्रोड्यूसर को उसका पैसा वापस मिल सके आगे बात करते हैं हिंड्रेंस ऑफ टाइम हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है भाई देखो प्रोडक्शन अलग समय पर होता है कंजम्पशन अलग समय पर होता है तो उस समय के बीच में ना सामान को आपको स्टोर करना पड़ता है तो कॉमर्स ये स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय प्रोवाइडिंग वेयर हाउस फैसिलिटी ठीक है ना तो लिखा देर इज यूजली टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स ठीक है देर फॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वेयर हाउसिंग और स्टोरेज वेयर हाउसिंग और स्टोरेज के थ्रू ये जो आपका टाइम का हिंड्रेंस है वो भी दूर किया जा सकता है देख रहे हो ना कॉमर्स कैसे हेल्प कर रहा है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है भाई देखो गुड्स बेचे और खरीदे जाएंगे एक आदमी कहीं दूर बैठा है बायर कहीं दूर है सेलर कहीं दूर है तो ये दोनों एक्सचेंज कैसे करेंगे पैसों का ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे थ्रू बैंक्स तो कॉमर्स ये बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पर्सन लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस रिक्वायर अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बैंक्स हेल्प्स टू रिमूव दिस ऑब्स्टेकल्स तुम देख रहे हो ना एक बिजनेस को पूरा करने के लिए कॉमर्स की कितनी जरूरत पड़ रही है कॉमर्स क्या कर रहे हैं सारी टर्शरी एक्टिविटी है जो सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी को आस ऑफ रिस्क अब रिस्क को कैसे दूर कर सकते हैं इंश्योरेंस प्रोवाइड करके ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज देर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स एग्जाम्पल थेक्ट्रा इंश्योरेंस हेल्प एक्सक्यूज मी एक सेकेंड बेटा जी ओके इंश्योरेंस हेल्प टू रिमूव दिस हिंड्रेंस अगर इंश्योरेंस मिल गया है तो सामान चोरी हो जाए आग लग जाए कम से कम प्रोड्यूसर को पैसा मिल जाने वाला है अगला है हिंड्रेंस हिंड्रेंस ऑफ ऑफ नॉलेज नॉलेज का मतलब क्या भाई देखो प्रोड्यूसर सामान बना रहा है लेकिन कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि कौन सा सामान कब इस्तेमाल करना है तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को दूर करता है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन सो प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल इज गुड्स एंड सर्विस बिकॉज कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर बेनिफिट एंड यूजेस तो इस तरह की प्रॉब्लम को कॉमर्स कैसे हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन रिमूव्स दिस हिंड्रेंस तो भाई आई होप तुम्हें यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा और अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स के ऊपर चलो चपाड़ी अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं ऑलमोस्ट द चैप्टर की तरफ सो so, हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स की तरफ तो कॉमर्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया एक ट्रेड एक एड्स टू ट्रेड तो ट्रेड क्या होता है आउजरा देखते हैं ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इंड सर्विसेस विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट तो ट्रेड मतलब सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड इज टू मेक गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल टू दोडेम एंड आर एबल टू विलिंग एंड पे फॉर देम मतलब ट्रेड का मतलब यह कि सामान को उस गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके जो एक्चुअल में बायर्स हैं और जो एक्चुअल में उसको पे कर सकते हैं तो ट्रेड के लिए यहां पर बेसिक सी चीज देखो प्रोड्यूसर से ट्रेडर्स के थ्रू कंज्यूमर्स के पास सामान पहुंचाना तो ट्रेडर्स का जो काम होता है वो ट्रेड करती है ठीक है ट्रेड क्या होता है समझ में आ गया अब ट्रेड के कई सारे पार्ट है सबसे पहले देखते हैं होम ट्रेड होम ट्रेड मतलब जो एक देश के अंदर होने वाली ट्रेड है इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं या इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं यहां पर मैंने क्लियरली मार्क कर दिया है तो होम ट्रेड के अंदर आता है सबसे पहला होलसेल ट्रेड होलसेल में बल्क में सामान बेचा जाता है ठीक है ना तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज जब होगी तो उसे होलसेल ट्रेड बोलते हैं और होलसेल ट्रेड का फ्लो क्या होता है प्रोड्यूसर्स अपना सामान बेचता है होलसेलर्स को और होलसेलर्स आगे चल के सामान बेचता है रिटेलर्स को तो भैया होम ट्रेड में मैंने आपको पहले बताया होलसेल ट्रेड क्या होती है अब देखते हैं रिटेल ट्रेड क्या होती है होलसेल में लार्ज क्वांटिटीज में सामान बेचा जाता है और रिटेल में स्मॉल क्वांटिटीज में सामान बेचा जाता है इट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज और कैसे फ्लो होता है होलसेलर सामान बेचता है रिटेलर्स को और रिटेलर सामान बेचता है फिर कंज्यूमर्स को ठीक है ना बेटा समझ में आ गया होम ट्रेड समझ में आ गया अब फॉरेन ट्रेड देखते हैं फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो फ्रॉम वन कंट्री टू एन इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड भी अब एक्सपोर्ट में क्या होता है सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू तो एन जैसे इंडिया टी को एक्सपोर्ट करता है टू यूनाइटेड किंगडम तो इसको एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है हम किसी और कंट्री से सामान इंपोर्ट कर लें। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री जैसे इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम ईरान तो ये एग्जाम्पल क्या है आपका इंपोर्ट ट्रेड का तीसरा और लास्ट होता है इसके अंदर इंटरपोर्ट ट्रेड इंटरपोर्ट क्या होता है इंटरपोर्ट का मतलब होता है मैंने किसी एक कंट्री से सामान इंपोर्ट किया और किसी दूसरी कंट्री में सामान एक्सपोर्ट कर दिया मतलब एक कंट्री से सामान खरीद कर दूसरी कंट्री में बेच देना इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड इसका मतलब क्या भाई देखो इट मींस इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू कंट्री मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में इंडिया ने कुछ यूरोप से सामान खरीदा और उसको बेच दिया बांग्लादेश को तो यह एग्जाम्पल आएगा आपका इंटरपोर्ट ट्रेड में समझ में आ रही है बात सभी को तो ये तो हमने आपको ट्रेड बताए और टाइप्स ऑफ ट्रेड बता दिए अब हम आते हैं एड्स टू ट्रेड एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या है वो सारी चीजें जो ट्रेड में हेल्प करती हैं ठीक है ना वो सारी चीजें जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने में हेल्प करती है उसको एड्स टू ट्रेड बोलते हैं इट रेफर्स टू एक्टिविटीज असेंशियल फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स अब एड्स टू ट्रेड में क्या क्या आता है आउजरा देखते हैं सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांस्प क्या है प्रोडक्शन की जहां पर से जहां पर कंजम्पशन होना है, वहां तक सामान बेचो तो जितने भी ट्रक्स होते हैं रेलवेज होते हैं या एयर मींस या शिप मींस के थ्रू आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे हेल्प करता है बिजनेस को समझ में आ रहा है क्या लिख कर आओगे एग्जाम में इट रेफर्स टू कन्वेंस ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट फेसिलिटेट ट्रेड बायिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स मतलब में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन दूसरे पे आते हैं हम लोग दूसरा है हमारा वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है बेटा आपको सामान स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है प्रोड्यूसर सामान बनाता है कंज्यूमर सामान कभी और खरीदता है सामान कभी बन रहा है और सामान कभी अलग समय पर कंज्यूम हो रहा है तो उस समय के दूर करने के लिए उस समय को पास करने के लिए सामान स्टोर करना पड़ता है जैसे कि क्रॉप्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि भैया लेट्स से आपने वीट का गेहूं का, का जो कल्टीवेशन हुआ वो अलग महीने में हुआ और उसका कंजम्पशन अलग महीने में हो रहा है तो आपको सामान को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज की जरूरत पड़ती है तो वेयर हाउसिंग रिमूव हिंड्रेंसेज ऑफ टाइम एंड देयर बाय क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी अब कितने टाइप के वेयर हाउसेज हैं एक तो है प्राइवेट वेयर हाउस जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है दूसरा होता है पब्लिक वेयर हाउस जो गवर्नमेंट ओन करती है तीसरा होता है बॉन्डेड वेयरहाउस जो ओन करता है कस्टम्स वो कौन कौन करता है भैया सेटअप बाय कस्टम अथॉरिटीज जो कस्टम्स जो आपको बताओगे ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट एयरपोर्ट के पास कस्टम विभाग होता है वो सामान जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाता है कस्टम ड्यूटीज नहीं पे की जाती है उनको यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है मतलब उनके लिए ये एक्चुअल में ये सेटअप बनाया जाता है क्या बात समझ में आ रही है सभी लोग क्लियर है आगे बढ़ जाऊं ठीक है समझ में आ गया सभी लोग वेयर हाउसिंग क्या होता है चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अगला है इंश्योरेंस अब आपको पता होगा कि यार सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो बड़ा रिस्क होता है सामान लीक ना हो जाए सामान वेस्ट ना हो जाए सामान चोरी ना हो जाए सामान में आग ना लग जाए तो इंश्योरेंस इस रिस्क को कवर करती है और यह है हमारा अगला ट्रेड इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंसे ऑफ रिस्क विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस अ बिजनेसमैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सेवरल टाइप ऑफ रिस्क कैसे कैसे रिस्क से बच सकते हैं फायर इंश्योरेंस होता है मरीन इंश्योरेंस होता है थेफ्ट इंश्योरेंस होता है और बाकी और तरह के भी इंश्योरेंस होते हैं इंश्योरेंस आपको बचाता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिस्क तो ये समझ में आ गया चौथी तरफ बढ़ते हैं और चौथा है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंस मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए ना भाई ट्रांजैक्शंस का होना जरूरी है तो वहां पर बैंक की यूज आती है और बिजनेस को चलाने के लिए प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो फंड का भी अरेंजमेंट बैंक के थ्रू होता है देखते हैं स्कूल में क्या लिख के आना है बैंक फैसिलिटेट लार्ज स्केल एंड एफिशियंट बिजनेस ऑपरेशन बाय प्रोवाइडिंग कैश एंड सिक्योरिटी बैंक कैश भी प्रोवाइड करता है और बैंक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ क्विक एंड इकोनॉमिकल मीन फॉर रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह बैठकर दूसरी जगह पर आप पैसा भेज सकते हो सेफ्टी के साथ भेज सकते हो थ्रू बैंकिंग सिस्टम ठीक है ना बैंक प्रोवाइड फंडस इन वेरियस फॉर्म्स बैंक कैसे कैसे देता है पैसे लोन देता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बहुत सारे तरह के लोन्स हैं जो एक बैंक ऑफर करता है टू तो डिफरेंट बिजनेसमैन चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं और अगला है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी ये नॉलेज की अनसर्टेनिटी को दूर करता है अब भाई प्रोड्यूसर्स सामान बना रहे हैं लेकिन कंज्यूमर्स को पता ही नहीं किस तरह का गुड्स अवेलेबल है मार्केट में तो वहां पर यूज आता है एडवर्टाइजिंग का दे रिमूव हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज एडवर्टाइजिंग about कंज्यूमर्स अबाउट द यूज ऑफ provides एंड greater सैटिस्फैक्शन आपने कई बार देखा होगा टीवी में आ रहा है, जिससे आपको पता है वो वो घरे मुनायम काले बाल खिले खिले मतवाले बाल डाबर आंवला केश तेल तो डाबर आंवला कैसे पता चला आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू ठीक है ना वॉशिंग पाउडर निर्मा दूसरी सफेदी निर्मा से आई रंगीन कपड़ा भी खिल जाए सबकी पसंद निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा। तो इस तरह के जो आपने एडवर्टीजमेंट देखे हैं ये नॉलेज के हिंड्रेंस को दूर करते हैं और ये भी है हमारा एट्स और लास्ट पर आते हैं कुछ अदर एड्स टू ट्रेड भी होती है जैसे कि क्या जैसे कि पैकिंग अच्छी प्रोवाइड करना अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना फोन सर्विसेज एंड ऑल अच्छे होटल्स प्रोवाइड करना बिकॉज बिजनेसमैन uh, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करते हैं तो ये सारी चीजें आएंगी अदर एड्स के अंदर अदर एड्स में आप क्या लिख सकते हैं जैसे कि हमने पैकिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है प्रॉपर पैकिंग प्रिवेंट्स डैमेज एंड ऑल्सो अट्रैक्ट कंज्यूमर्स टू बाय गुड्स इट रिमूव्स अ हिंड्रेंस एंड प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ गुड्स क्लियर है सभी लोगों को सो लास्ट बट नॉट द लीज लास्ट टॉपिक पर आ रहा है इंटर रिलेशनशिप बिट्वीन कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना हंड्रेड परसेंट श्योर है आएगा ही आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एग्जैक्टली सेम आंसर लिखकर आएंगे कोई टेंशन वाली बात नहीं आपको सर या मैडम जो भी आपको स्कूल में पढ़ाती है पूरे नंबर देंगी आपको यह सारे नोट्स मेरे फ्री स्टडी मेटेर सेक्शन में मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर जाकर डाउनलोड कर ले यार ठीक है ना चलो भाई आओ जरा देखते हैं अब हमको तीनों चीजों में इंटर रिलेशनशिप बताना इंडस्ट्री कॉमर्स ट्रेड तीनों में आओ देखते हैं इंडस्ट्री क्यों जरूरी है इंडस्ट्री प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय कॉमर्स नो कमर्शियल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन द केस ऑफ एबसेंस ऑफ प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्री दस इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ कॉमर्स अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो गुड्स नहीं होंगे गुड्स नहीं होंगे तो भाई बेचोगे क्या तो इंडस्ट्री की इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन है कॉमर्स की

ट्रेड प्रोवाइड सपोर्ट टू इंडस्ट्री बाय सर्विंग एज लिंक पिन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स अब एड्स क्या है भैया आपको आपको ट्रेड 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 समझ में आ रहा ट्रेड के अंदर क्या था था एड्स टू थी और जो हेल्प करता ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग ये भी जरूरी है आपको बिजनेस को कैरी करने के लिए तो ये तीनों की तीनों चीजें आपस में इंटर लिंक है आप सेम आंसर लेकर आओगे बेटा जी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे ये नोट्स आपके लिए रामबार साबित होने वाले हैं अगला टॉपिक क्या है अगला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है इकोनॉमिक्स बेसिस ऑफ कॉमर्स इज नॉट देर इन द सिलेबस सो जस्ट चिल विद इट तो इसके अंदर का भी जो टॉपिक है रीजन फॉर कमर्शियल इंटरकोर्स ये भी आपके सिलेबस uh, में नहीं है सो दैट इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टूडेज क्लास बाय मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में टेक केयर